कल हमारे यहाँ पहला केस 40 साल के ये हैं मेल, और इनमें ये म्यूकर माइकोसिस, मैंने खुद हमारी डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में ये फंगस लैब कंफर्म किया। कोई घबराने की बात नहीं है, कोविड घबराने की बात है, वो एक से दूसरे को फैलता है। म्यूकर माइकोसिस होता है म्यूकर नाम के एक फंगस से, जिसके स्पोर्स हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पोर्स अवेलेबल हैं, और जैसे ही कोई मरीज़ एक्सट्रीम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज देखा, यानी शुगर की वजह से या किसी भी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में डीवाइटलाइज्ड टिश्यूज़ हैं, और वो कीटो एसिडोसिस में पर्टिकुलरली जब होता है, तो ये स्पोर्स आँख के म्यूकोजा में या कंजंक्टिवा के थ्रू या नाक की म्यूकोजा के थ्रू वहाँ पड़े होते हैं, हवा में से आते हैं और जर्मिनेट करना शुरू हो जाते हैं, हाइफी प्रोड्यूस करते हैं, और इसके फंगस के जो हाइफी हैं बड़े फास्ट प्रोग्रेस करते हैं ऐसे मरीज़ में जो एक्सट्रीमली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, पर्टिकुलरली डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इसकी एक प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन है। ये म्यूकर माइकोसिस बहुत दिन से बात चल रही थी, कोविड की जब भी बात होती है तो म्यूकर माइकोसिस बहुत दिन पहले, कोई 4 महीने पहले गंगाराम हॉस्पिटल में 13 केसेस म्यूकर माइकोसिस के एक ही वार्ड में डिटेक्ट हुए थे, तो उससे लोगों को ये नाम काफ़ी अच्छे से पहले पता भी चल चुका था, पॉपुलेशन सारी हमारी सेंसिटाइज थी कि म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगस नाम की कोई बीमारी जुड़ी हुई है कोविड के साथ। तो कल हमारे यहाँ पहला केस 40 साल के ये हैं मेल, और इनमें ये म्यूकर माइकोसिस, मैंने खुद हमारी डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में ये फंगस लैब कंफर्म किया। ये इनकी शुगर 900 और ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ जा चुके थे, और मैं बताना चाहती हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से सारी जनता को, कोई घबराने की बात नहीं है, कोविड घबराने की बात है, वो एक से दूसरे को फैलता है। म्यूकर माइकोसिस का ये इकलौता केस हमारे सामने आया है, ये हमें ये सिखाने आया है कि बहुत सारे जितने भी हमारे मरीज इस टाइम हॉस्पिटल में दाखिल हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में हैं, और उनमें लंग डैमेज हो चुका है काफ़ी, तभी उनको ऑक्सीजन ऊपर से देनी पड़ रही है, वो स्टीरॉइड्स पे हैं। तो स्टीरॉइड इंड्यूस्ड जब ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, स्टीरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज़ या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ स्टीरॉइड की वजह से हो जाती है, ये केस कहीं घर में या कहीं मैनेज हुआ होगा। कल हमारी इमरजेंसी में जब रिपोर्ट हुआ तो ये क्लिनिकली इनको गैंग्रीन समझा, और हमारे पास सैंपल आया, और सैंपल जब हमने खुद कंफर्म किया, मन में तो था ही कि म्यूकर माइकोसिस का केस ना हो, कोविड से ये सफ़र कर चुके थे, RT-PCR नेगेटिव थे, लेकिन इन्होंने इतने स्टीरॉइड्स खा लिए होंगे कि इनका शुगर 900 बहुत ज़्यादा होता है, और ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में थे, और इनकी किडनी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के ये मरीज़। तो म्यूकर माइकोसिस होता है म्यूकर नाम के एक फंगस से, जिसके स्पोर्स हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पोर्स अवेलेबल हैं, और जैसे ही कोई मरीज़ एक्सट्रीम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज देखा, यानी शुगर की वजह से या किसी भी वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में डीवाइटलाइज्ड टिश्यूज़ हैं, और वो कीटो एसिडोसिस में पर्टिकुलरली जब होता है, तो ये स्पोर्स आँख के म्यूकोजा में या कंजंक्टिवा के थ्रू या नाक की म्यूकोजा के थ्रू वहाँ पड़े होते हैं, हवा में से आते हैं और जर्मिनेट करना शुरू हो जाते हैं, हाइफी प्रोड्यूस करते हैं, और इसके फंगस के जो हाइफी हैं बड़े फास्ट प्रोग्रेस करते हैं ऐसे मरीज़ में जो एक्सट्रीमली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, पर्टिकुलरली डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इसकी एक प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन है। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ था, सारा कुछ कोरिलेट कर रहा था, ये जो फंगस बड़ी जब ऐसे मरीज पे बैठ जाता है या एस्टेब्लिश कर लेता है तो फास्ट जर्मिनेट करता है, और तेज़ी से आँख के अंदर, साइनसिस के अंदर, दिमाग के अंदर, और इवन फेस की बोन्स को भी ये इन्वेड करता है और डैमेज करता है।